दोस्तों, हाल ही में चीन से आई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहां कोरोना वायरस से लोगों की सांसें नहीं उखड़ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जो मुल्क सबसे ज़्यादा समस्याओं को झेला है, वो है सुपर पावर अमेरिका। हम आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित का तो कुछ कहना ही नहीं है। दोस्तों, इसी वजह के चलते अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ती जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जंगी भीड़ों को भी चीन के खिलाफ पूरी तरह तैयार कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में लोगों की आशंका है कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, और अगर तृतीय विश्व युद्ध मतलब थर्ड वर्ल्ड वार हुई तो आप जान लीजिए कि परमाणु बम मतलब न्यूक्लियर बम का अटैक तो होगी ही। दोस्तों, और परमाणु बम कितना विनाशकारी है, इसे जानने से पहले जरा उस तारीख को आप याद करिए जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को इसी बम से पूरी तरह बर्बाद किया था। दोस्तों, वो तारीख तो शायद आपको याद आ ही गई होगी। वो तारीख थी द्वितीय विश्व युद्ध 1945। आज से करीब 70-75 साल पहले ये दोनों शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, जिसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह परमाणु बम मतलब न्यूक्लियर बम का अटैक किया गया था, वहां के बच्चे आज भी विकलांग पैदा ही हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप थोड़ा थिंक करो कि आज से 70-75 साल पहले का न्यूक्लियर बॉम्ब इतना विनाशकारी हो सकता है, तो अब का न्यूक्लियर बॉम्ब कितना विनाशकारी होगा, जबकि टेक्नोलॉजी भी पहले की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा एडवांस हो गया है। दोस्तों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भविष्य में कभी परमाणु बम का उपयोग ना हो, है ना। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी इससे बचने का उपाय जानना हम सबको बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप जान लो न्यूक्लियर बॉम्ब के कुछ प्रभावों के बारे में। दोस्तों, परमाणु हमले से जिस जगह विस्फोट होगा और वहां तेज रोशनी के साथ भयानक आग का गोला आसमान में उड़ेगा, जो आसपास की सभी बिल्डिंग को और दूसरी चीजों को पलक झपकते खाक कर देगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे मीलों दूर तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस विस्फोट से पैदा होने वाली रोशनी की चमक इतनी तेज होगी जिससे कई लोग अंधे भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इससे जो आग का गोला निकलेगा वो हमारे एटमॉस्फेयर को सारी हवाओं को खींचकर कई मील तक हमारे वातावरण को एयरलेस कर देगा, यानी यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही इससे पैदा होने वाली रेडिएशन से सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इसके संपर्क में आने वाले जीवों की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। और दोस्तों, अगर परमाणु बम 6 मेगावाट से ज़्यादा हुआ तो इसका बहुत ही विनाशक परिणाम होगा, क्योंकि परमाणु विस्फोट के आग में सब जल जाएंगे, उस जगह पर तबाही का मंजर होगा। दोस्तों, परमाणु विस्फोट से निकलने वाले कार्बन से आसमान में एक बहुत ही बड़ा काला और जहरीला बादल बनेगा, जिससे हमारी ओजोन परत को पूरी तरह नुकसान होगा। कार्बन से बनी काला बादल हमारे पृथ्वी के 70% ओजोन परत को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा, जिसके चलते अंतरिक्ष से आने वाली पर्यावरणीय किरणों से मानव जाति और वनस्पति का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर होगा। क्योंकि ओजोन परत नष्ट हो जाने के बाद सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा सीधे हमारे पृथ्वी पर आएगी, जो इतनी गर्मी उत्पन्न करेगी कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव जंतु इसे झेल नहीं पाएगा, और फिर सब के सब जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, परमाणु युद्ध होने पर सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक और सामाजिक तौर पर होगा, जिससे देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होंगे, जिसमें आंतरिक सुरक्षा से लेकर और भी कई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होती है तो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। हो सकता है हिरोशिमा और नागासाकी की तरह यहाँ भी आने वाले कई सालों तक
लोग किसी ना किसी बीमारी के साथ ही पैदा होंगे। यहाँ के धूल भरे वातावरण को ना झेल पाने की वजह से लोग जल्द ही मरने लग जाए। दोस्तों, ये तो परमाणु बम के हमले से होने वाले नुकसानों के बारे में जाना। अब मैं आपको परमाणु बम के हमले से बचने के कुछ तरीके के बारे में बताएंगे। वैसे परमाणु बम के हमले से किसी को भी जान बचा पाना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। अगर आपके आसपास कहीं परमाणु हमला होता है तो उसके केंद्रों को, मतलब न्यूक्लियर बम की जो ज्वाला होती है, उसे आपको कभी अपनी आंखों से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें रेडिएशन के साथ साथ इतनी चमक होती है कि आपकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती है। दोस्तों, अगर परमाणु हमला हो जाए तो तुरंत किसी मजबूत बिल्डिंग के बेसमेंट में शरण ले लेनी चाहिए, मतलब एक ऐसा भूगृह में जाना चाहिए जहां लोगों को आना जाना ना हो, जो बिल्कुल सेफ्टी हो। दोस्तों, परमाणु हमले की स्थिति में अगर किसी के पास रेडियो हो तो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि जब परमाणु अटैक होती है तो मोबाइल, इंटरनेट, गैजेट्स, टीवी सिग्नल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, कब सुरक्षा दल आपके इलाकों में आएगा या नहीं आएगा, इन सब बातों से आप अनजान रहेंगे और आपको जी चाहेगा बार बार बाहर निकलने का, जो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपके बाहरी वातावरण में यानी बाहरी इलाकों में बहुत सारे रेडिएशन फैले हुए होंगे और आंधी तूफान भी आ गए होंगे। इसलिए ऐसे मुसीबत में आपको रेडियो पर ही आपको समाचार मिलती रहेगी। इसीलिए रेडियो अपने पास ही रखें, क्योंकि आपके राहत कार्यों की जो पहली खबर मिलेगी वह आपको रेडियो पर ही मिलेगी। हमले होने के बाद अगर आप किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं तो उस जगह से आप तब तक बाहर ना निकलिए जब तक आपके इलाकों में कोई सुरक्षा कर्मी ना पहुंच जाए, क्योंकि हमले होने के बाद आपके आसपास रेडिएशन फैल गया होगा और तेज विनाशकारी आंधी तूफान भी आ गई होगी। इसीलिए जब आपको लगे कि सुरक्षा दल हमारे इलाकों में प्रवेश कर गए हैं तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा नहीं। और ये सब न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमेशा अपने साथ रेडियो को रखें और उसे हमेशा ओपन रखें।